साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। और साथियों, सिरसा जिला के नाथूश्री चोपटा खंड के गुडियाखेड़ा गांव के अंदर मंजू भाटिया सरपंच पद पर इन्होंने सरपंची का ताज पहना है। गांव की बेटी सरपंच बनी है। पूरे गांव के अंदर एक जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितने सारे जो ग्रामीण है गाँव के आए हुए हैं। 36 बिरादरी का सहयोग मिला है और गाँव की बेटी को सरपंच के पद पर चुना गया है समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। पहले हमने लुधेसर की भी चर्चाएं सुनी। लुधेसर के अंदर भी गांव की बेटी को सरपंच बनाया गया। इसी तर्ज पर चलते हुए गुडियाखेड़ा ने इस बार गांव की बेटी को अपना समर्थन दिया है। 5 साल इनकी सरकार, बेटी की सरकार किस तरह चलने वाली है, चलिए उनसे चर्चाएं करते हैं और जीत को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, गांव वालों का जो मुझे बहुत सहयोग दिया और आशीर्वाद रूपी वोट देकर मुझे जो 76 वोटों से विजयी बनाया, उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की बेटी सरपंच बनी है, आगे गांव के अंदर जो 5 साल सरकार रहने वाली है गांव की बेटी की, उस सरकार के अंदर क्या क्या काम रहेंगे, कैसे कैसे जो सरकार है वो चलने वाली है आपकी? जो भी काम बचा है वो मैं पूरा सहदिल से सबके साथ मिलकर सारे गांव के साथ पूरा करना चाहूंगी, ताकि मेरे ग्राम वासियों को कोई दिक्कत ना हो। 36 बिरादरी का जो सहयोग समर्थन मिला है, क्या यही जो भाईचारा प्यार प्रेम 36 बिरादरी के साथ सरपंच साहिबान का आगे भी चलता रहेगा? हाँ, जो अब सहयोग मिला है जैसे 36 बिरादरियों का, वैसे ही आगे भी भाईचारा बना रहेगा हमारा। पहली कलम से कौन सा काम करना चाहोगे गांव का, कौन सा मुख्य काम था जो आपके मैनिफेस्टो में था और अब आप पहली कलम से सरपंच बने हो, सब लेते जब कार्यभार आप संभालोगे तो कौन सा काम करोगे? सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के साथ मिलकर मेरी बहनों के लिए कॉलेज बनाना चाहती हूँ और नशा मुक्ति जो भी जैसे सड़कें वगैरह जो बचा है काम वो भी पूरा करना चाहती हूँ। ठीक, 5 साल के अंदर कैसा फिर विकास रहेगा, क्या गुडियाखेड़ा में और निखार आएगा? हाँ, क्या कुछ कहेंगे, गांव की बेटी सरपंच बनी है, क्या उम्मीदें करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि इस गांव की बेटी सरपंच बनी है। मैं आशा करती हूं कि ये अपने पद पर खड़ी उतरेगी और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, और मैं भी इसके साथ हर पल हमेशा खड़ी रहूंगी। जिस टाइम मुझे फोन मार दे मैं हमेशा आऊंगी, और मैं भी इसके साथ अपने जो युवा है नशे के तरफ चल रहे हैं उसको मैं मुक्त करना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का और पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो इस बेटी के ऊपर गांववासियों ने जो उम्मीद जताई उस पर ये खरा उतरे। दूसरी बात, जो आज की ये जो जीत है ये सबसे पहले तो ईमानदारी, संघर्ष, सरल स्वभाव और अपनी नीति पे रहने की है। ठीक है, सारा ही काम होता है गांव में, हर एक तरह के होते हैं, मतलब जो अपने अपने हिसाब से काम करने वाले भी होते हैं, नहीं करने वाले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन ये जो जीत है ये इनके संघर्ष नीति और साफ नीति की जीत है। गांव गुडियाखेड़ा में पहली बार इतिहास बना है, गांव की बेटी सरपंच बनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आगे आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भाई, गाँव गुडियाखेड़ा में एक गरीब परिवार की बेटी को जिता करके और एक सुनहरा काम किया है। इसके लिए सारे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आशा करता हूँ ये बेटी अपने हर काम में अपने जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको साथ लेके अच्छा काम करे। इसी के साथ धन्यवाद।